क्या होता है कि हमेशा नया इधर होता है। ये एक इंटर्नशिप चैलेंज है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि एक मूवी ब्राउजर बनाना है आपको, जो कि यू कैन डिप्लॉय अ टू पेज वेब एप्लीकेशन, दो पेज का वेब एप्लीकेशन बनाना है आपको, जिसमें ब्राउज कर सके और सर्च कर सके मूवीज को, जिसके अवेलेबल ऑनलाइन एपीआई यूज करना है, जो कि एपीआई अवेलेबल है द मूवी डीबी डॉट ओ आर जी के पास। द मूवी डीबी एक डेटा बेस है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आई डी बी चलता है, आई एम डी बी ये चलता है। तो इसका नाम ये है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, आई एम डी बी का फुल फॉर्म हो गया, यहाँ से फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखो इंटरनेट मूवी डेटाबेस, तो आईएमडीबी जो है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा मूवी आने वाला है, उसका रेटिंग क्या है, वो सारी मूवीज के डिटेल रखता है। लेकिन इसके एपीआई को यूज करने नहीं कहा है इसने, एक और मूवी डेटाबेस है, उसका नाम है द डीप मूवी डीबी, द मूवी डीबी। उसका चैलेंज है कि द मूवी डीबी यानी टीएमडीबी का इस्तेमाल, आईएमडीबी का इस्तेमाल करना, टीएमडीबी का, द मूवी डीबी ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसके पास मूवी का पूरा डेटाबेस है, पूरा जो मूवी आने वाली है, वो जो मूवी आएगी वो कौन कौन कास्ट किया, कौन डायरेक्ट किया, कौन म्यूजिक दिया, कौन कौन सा म्यूजिक है उसमें, मतलब पूरा मूवी का इन्फॉर्मेशन उसमें है, कवर पे से लेकर सब कुछ। तो अपकमिंग मूवी से लेकर सारा का सारा मूवी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कह भी रहा है कि द मूवी डीवीडी का साइन अप कीजिए और वहां से एपीआई ले लीजिए। एपीआई लेने के बाद आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल यूज बताइएगा, इंटरव्यू पर्पज बताइएगा, एप्लीकेशन के बारे नहीं दीजिएगा, और यहाँ डेवलपर इंटरव्यू के हिसाब से आप डेटा डाल दीजिएगा। तो ये हमको कह रहा है साइन अप कीजिए, तो ये लिंक है, यहाँ पे लिंक दिख रहा है, हम साइन अप करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे साइन अप करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन साइन अप करने के पर्पज से, जैसे यहाँ पे हमको कह रहा है क्या साइन अप करने में क्या डालेंगे, अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ट्राई करते हैं, सॉरी नाम लॉग ऑफ था, और पासवर्ड डाल देते हैं, इसी तरीके से पासवर्ड डाल दिया, ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है, और ये साइन अप करने कह रहा है, तो ट्राई करते हैं साइन अप को। तो देखो ईमेल का वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें मेल गया होगा ऑफ कोर्स, तो ये जो आप मूवी डीवी का मेल आया हुआ है यहाँ पे, एक्टिव योर अकाउंट, मैंने एक्टिव कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी हम डाला था वो पासवर्ड और लॉग इन। ओके एक मिनट में पासवर्ड भूल जाता, थैंक यू। तो ये मेरा अकाउंट खुल गया, ये बोल रहा है कि अकाउंट जब खुल जाएगा तो उसके बाद ओपन वंस सेटिंग एपीआई, ये लिंक है मेरा, इसको खोलना है, ओपन न्यू लिंक खोलते हैं। ये मेरा एपीआई का पेज है जहाँ पे हमको एपीआई का डिटेल मिलेगा। चलिए ठीक है, समझ गए बात। तो एपीआई हमको यहाँ पे जनरेट करना है, क्लिक हियर टू जनरेट एपीआई, क्लिक हियर कर दिया। उसके बाद बोला कि आप डेवलपर है, प्रोफेशनल डेवलपर। उसके बाद आगे ये टर्म्स है कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप, उतना कौन पड़ेगा। सीधा आगे बोला एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो कुछ गाइडलाइन ये भी दे रहा है कि एप्लीकेशन नाम क्या रखना है, इंटरव्यू है ना। उसके बाद यूज क्या लिखना था, पर्सनल यूज वो बता रहा है यहाँ पे, सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नन एप्लीकेशन यूआरएल में, और समरी में क्या लिखना है, फॉर डेवलपर सॉरी इंटरव्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर समरी में डाल दिया, वही चीज डाल दिया, फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, तो हम अपने हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देते हैं, शारिक हुसैन, और बोला है कि पैंतीस डैश नहीं होगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया, और ये एड्रेस बोल रहा है। तो कुछ एपीआई देगा तो इतना कुछ तो लेगा ही लेगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है, मैं आगे सबमिट करता हूँ। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ओ यूआरएल रिक्वायर्ड, तो हम लोकल होस्ट वाला मामला जो होता है 127 पॉइंट ये डाल देते हैं, यू आर यूजिंग दिस विद अ स्लैश के, और नीचे जाते हैं उसको कहते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट मत करना कुकीज को, और ये सब है। देखो इसके बाद हमको एपीआई की मिल गया और एपीआई का एक्सेस टोकन मिल गया, तो एपीआई की और एपीआई एक्सेस टोकन हमको यहाँ से जनरेट हो गया। उसके बाद दिखा हुआ स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है मॉन्क डिजाइन का, तो मतलब ठीक है स्क्रीनशॉट, ये जो हमको जीप फाइल भेजा है मेल पर उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है,
एक तो स्क्रैच का सॉफ्टवेयर का फाइल है, वो हम लोग बाद में खोलेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि एप्लीकेशन में कौन सा कलर और कौन सा आइकन यूज कर सकते हैं। आइकन मेटेरियल आइकन का इस्तेमाल करने का है, रिकमेंडेड है। और यहाँ पर डिटेल नाम का पेज है, जो डिटेल पेज है मूवी का डिटेल दिखाएगा। और दूसरा पेज है लिस्ट ऑफ मूवीज, जो कि मूवी को दिखाएगा इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है। तो ठीक है, तो हम PNG के फाइल यहाँ पे आ गया। इट शुड बी द लिस्ट पेज डिस्प्ले अपकमिंग मूवी इन अ मूवी कार्ड सॉर्टेड इन द लिस्टेड फर्स्ट ईच ऑफ द देम, और ये सब डिटेल मूवी का होगा। ठीक है, इतना बात पहले मान लेते हैं। तो हम बोला ठीक है, हम डिजाइन करते हैं। तो हमको ये रिएक्ट में चैलेंज दे रहा है, हम इसको नेक्स्ट पे भी चैलेंज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ऑल्सो रिएक्ट है, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। और अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं रिएक्ट से तो भी जा सकते हैं, कोई उसमें पंगा नहीं है। तो बताओ कि इसमें नॉर्मल रिएक्ट पे करें या नेक्स्ट पे करें, जल्दी बताओ। अनस रिएक्ट पे करें बेसिक। ठीक है, क्रिएट, देखो NPX तो लगेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, नेक्स्ट ऐप नहीं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, रिएक्ट इन, और उसका नाम मूवी अंडरस्कोर ब्राउजर, मूवी ब्राउजर। प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने दो, ये पैकेज है, इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, पहली बार हमको लगता है इस फॉर्मेट करने के बाद पहली बार रिएक्ट इंस्टॉल कर, नेक्स्ट जो इंस्टॉल रहता है ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर लिया। तो ये मूवी ब्राउजर नाम का प्रोजेक्ट है, जो कि मेरा यहाँ पे VS कोड में ले लेना चाहिए। तो होने देते हैं, इसका काम यहाँ पे हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नेक्स्ट के कंपैरिजन में, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे फोल्डर्स आएंगे, फाइल्स आएंगे, तब तक में हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये कह रहा है कि लिस्ट पेज, यानी लिस्ट नाम का एक पेज होगा, यहाँ पे भी डिटेल है, लिस्ट नाम का एक पेज बनाना है और डिटेल नाम का एक पेज होगा। टू पेज वेब एप्लीकेशन कह रहा था, दो पेज बनाना है, एक लिस्ट जिसमें सारा मूवी होगा और वो API से आना चाहिए, एक वो जिसमें हम लोग क्लिक करें किसी प्रोडक्ट किसी मूवी पे तो उसका व्यू दिखे, यानी डिटेल पेज। तो डिटेल पेज, ये यहाँ पे डिटेल पेज की बात करा जा रहा है। उसके अलावा सर्चिंग द मूवी यूजिंग द सर्च API, सर्च API भी ढूंढना होगा और उससे हम लोग सर्चिंग को भी एनेबल करना होगा। इट शुड बी क्लिक, अगर मूवी कार्ड पे क्लिक किया तो वो नेविगेट करें डिटेल पेज पे। इट शुड बी मूवी डिटेल्स हो और बैक बटन भी अवेलेबल हो, होम पेज भी अवेलेबल हो और वो सब नेविगेट कर सके लिस्ट पेज में, बहुत बढ़िया। इट शुड बी डिस्प्ले, और ये सब में इतना डिस्प्ले दिखाना है हमको, मतलब मूवी में के डिटेल्स में। और ये है पेज डिस्प्ले शुड बी द रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी केल्विन यूज कर लेंगे, और उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ तक में काम खत्म कर लेंगे। तो ये API की डिटेल जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। तब तक हम API की डिटेल दिखाते हैं आपको, देखिए सॉरी डिटेल्स यहाँ नहीं, API के डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा कौन कौन से API के लिए क्या क्या अवेलेबल है। देखो ये पूरा का पूरा एक जगह है जहां पे तुमको सब कुछ मिलेगा। तो API जो लिंक्स है, ये तो लिंक्स है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग वही क्या है, नंबर ऑफ द डे, वोटिंग, ये भी सब मच JSON, इस तरीके का, हाँ ये देखो सर्च की पॉसिबल भी इस तरह से दिखेगा डेटा। तो ये हमको JSON वगैरह देगा, फाइंडिंग डेटा, अगर हम डेटा को स्लैश सर्च लगाएंगे तो सर्च काम करेगा। ये इस तरीके का API की अपना लगाना है और मूवी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको धीरे धीरे, रिसर्च इंक्वायरी वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, बस हमको साल को पढ़ पढ़ के यूज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है, और क्या है, ठीक है, यूजर्स, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है, हम सबको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। तब तक इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँचा देखते हैं, अपने आखिरी पड़ाव पे है, और यहाँ पे अभी तक नोट मॉड्यूल ही बना है, बाकी प्रोजेक्ट्स के फोल्डर नहीं बने हैं, तो काम अभी नहीं कर पाएंगे जब तक ये पूरा कर लें। तो देखो दो पेज है, ऑफकोर्स हमको दो पेज के लिए, नेक्स्ट में तो मेरे पास बिल्ट इन राउटर है, लेकिन रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम होता है, रिएक्ट राउटर डॉम
थर्ड पार्टी पैकेज है जिसका इस्तेमाल करना होगा दो पेज में आपस में स्विच करने के लिए, तो वहां पे इसका इंस्टॉलेशन जरूरी रहेगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर सब कुछ ठीक ही है, पहले इंस्टॉलेशन हो जाए। और हम लोग टेलविन का भी इस्तेमाल करेंगे, टेलविन CSS यहाँ जाएंगे और ये डॉक्स और ये यहाँ पर फ्रेमवर्क गाइडलाइन, इसमें रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप ये वाला है, क्लिक करेंगे और इसके हिसाब से अपना इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कंटेंट में डालने कह रहा है या इनिशियलाइज करने कह रहा है, वो सारा चीज़ फॉलो करेंगे और उसके बाद हम लोगों का टेलविन इसमें एक्टिव हो जाएगा। लगता है कि काम हो गया है, बहुत सारे फोल्डर्स बन के आ गए हैं। आखिरी आखिरी स्थिति, अब हम लोग यहाँ पे टेलविन को इंस्टॉलेशन में लगाएंगे। टेलविन रिएक्ट ऑटोडॉक ये सब चीज़ चाहिए होगा यहाँ, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट लगाते हैं तो टेलविन भी आ जाता है हमको साथ में, पैकेज में ऐड है और उसमें भी आ जाता है। तो देखो इसके कमांड है यहाँ पर टेलविन इंस्टॉल करने के, npm install टेलविन, जैसे वो CSS वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना है और ये एंटर मार देना है जिससे ये इंस्टॉलेशन में लग जाए। देखो npm install -d टेलविन CSS, तो ये टेलविन CSS का इंस्टॉलेशन चल रहा है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे npx टेलविन init ये वाला लाइन, इससे हमको एक टेलविन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलता है, यहाँ पर मिल गया। इसके अंदर कंटेंट में कह रहा है ये लगाने के लिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे फॉलो करो, ये कंटेंट लगाने कह रहा है, ठीक है लगा देते हैं और यहाँ पर कंटेंट में लगा दें, ठीक है लगा दिया। इसके बाद ये तीनों इंडेक्स डॉट सी एस एस में लगाने कह रहा है, SRC के अंदर जाएंगे तो इंडेक्स डॉट सी एस एस मिलेगा, ये सबको हटा सकते हैं और ये लगा सकते हैं, तो ये लगा दिया। उसके बाद npm रन रन स्टार्ट बोल रहा है कि लगा के अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दिक्कत आएगा तो हम क्या करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, इंडेक्स में CTL लगा देंगे, ठीक है तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो खैर छोड़ो, इसमें बहुत मैटर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट कॉम्पोनेंट बनाने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं, कॉम्पोनेंट के लिए फोल्डर कॉम्पोनेंट स्लैश, और देखो एक का नाम लिस्ट डॉट JSX है जो कि कॉम्पोनेंट एक तो बन जाएगा, और दूसरा है डिटेल डिटेल्स डॉट JSX, यही कहा गया है। इसी के अकॉर्डिंग दो कॉम्पोनेंट बनाना है, एक लिस्ट एक डिटेल, और हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो रिएक्ट राउटर डॉम के लिए यहाँ पर हम खोल के रखे थे, ये मेरा पैकेज है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ लगाते हैं इंस्टॉलेशन में npm install रिएक्ट राउटर डॉम, इसका काम हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम भी मेरा प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे npm start, यहाँ पे लगता है npm start, ठीक है वहाँ पे npm run dev लगता है Next.js में, React में npm start ऐसे, जिससे मेरा प्रोजेक्ट रन होगा। तो देखो ये प्रोजेक्ट रन होगा और मेरा ब्राउजर पे अपने आप खुल जाए, React Router Down का भी काम खत्म हो गया। अगर मुझे CDN की जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कई बार दिक्कत आता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि API वर्क कैसे करता है। API की है मेरा ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं, और API की को कॉपी करने के बाद हम इसमें इस प्रोजेक्ट में इस URL को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा API की है जो कि अच्छा मेरा ही API की दिया हुआ है। तो देखो इसमें ना बहुत सारा डेटा आ रहा है, यहाँ पर जर्नल्स आ रहा है, बजट आ रहा है, उसके बाद होम लिंक आ रहा है, और मूवी का नाम आ रहा है, ओरिजिनल टाइटल, उसका डिटेल आ रहा है, पॉपुलरिटी आ रहा है, यानी मूवी में से एक मूवी खाली आ रहा है क्योंकि मूवी का आईडी शायद यहाँ डाला था। अगर हम मूवीज ऐसे लिख देंगे मूवीज शायद इससे नहीं, पहले तो हमको समझना पड़ेगा ये स्पेसिफिक मूवी के लिए, ये मूवी का नंबर होगा सर, एक बार हम देख लेते हैं मूवी का आईडी होगा, एक मिनट। इसका मूवी आईडी नंबर कितना है देखो, है ना वही इतना ही लिया, यहाँ पे भी लिखा इसका मतलब सेम है। तो ये आईडी की वजह से एक स्पेसिफिक यानी डिटेल मेरा API काम करेगा। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करते हैं, यानी कि हम डिटेल में पहले RFC लिख देते हैं जिससे मेरा कॉम्पोनेंट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हम कमेंट लिखते हैं
कमेंट में यहाँ नीचे कमेंट लिखते हैं ये एपीआई यहाँ पे चलेगा, तो हम लोग ऐसे कमेंट में रख लेते हैं कि ये एपीआई चलेगा। अगर हमको सारा अपकमिंग मूवी चाहिए तो क्या करेंगे, तो फिर हमको कैसे देखना है वो हम देखते हैं। ये तो स्पेसिफिक मूवी हो गया, एफ एन रिस्पॉन्स डेली सर्च एंक्वायरीज, तो इसके लिए हमको स्लैश सर्च नहीं लगाना है, इसमें मूवीज भी नहीं लगाना है, हमको एक गूगल कर लेते छोटा सा, हाउ टू गेट ऑल अपकमिंग मूवी मूवी इन इन यूजिंग द मूवी डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, द मूवी डीबी एपीआई। तो गूगल करने की कोशिश करें ताकि ये अपकमिंग मूवी का हमको डायरेक्ट पेज दे दे, उतना ढूंढने से अच्छा है ये पेज तो चाहिए, द एपीआई रेफरेंस मिल गया। तो देखो ये एग्जांपल दे रहा है कि आपका जो मूवी डीबी अगर आपको निकालना है अपकमिंग स्लैश अपकमिंग लगाने से हो जाएगा आपका काम। तो हम समझ गए एपीआई कैसे तैयार करना है। तो देखो ये जो मेरा एपीआई है, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कि क्या करना है। देखो अपकमिंग मूवी निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ पर स्लैश मूवी स्लैश अपकमिंग लिखना हो एंटर। तो देखो जितना मूवी आने वाला है इसमें रिलीज डेट, जितना मूवी आने वाला है सब डेट आ गया, यानी मेरा अपकमिंग मूवी जो हमको होम पेज पे दिखाना है वो भी मेरा तैयार है। तो हम यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे और सॉरी सी ई और यहाँ पे भी हम कमेंट लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ भैया ये मेरा एपीआई की खुद का की है। हालांकि की हम वीडियो पे शेयर कर रहे हैं तो हमको की बाद में डिलीट मारना पड़ेगा या एक्सेस पब्लिकली हो गया। तो ये यहाँ पे द मूवी डीबी, तो ये यहाँ पर दिखाना है हमको और डिटेल में सिंगल डेटा को स्पेसिफिक करना है अकॉर्डिंग टू आईडी। तो समझ में आ रहा है सब कुछ हमको यहाँ पर। अब हम अपना डिजाइन को शुरू करते हैं, सबसे पहले लिस्ट वाला डिजाइन ही को शुरू करते हैं। तो लिस्ट वाला डिजाइन जो मेरा पीएनजी में है उसको हम देखते हैं क्या लिख किया हो गया। देखो ऊपर में एक हेडर पट्टी जो सर्च है उसमें कुछ आइकन मटेरियल आइकन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे भी, और मटेरियल आइकन को कैसे यूज करना है वो देखो। पहले देखेंगे मटेरियल आइकन, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कहा गया कि मटेरियल आइकन का इस्तेमाल करना है, तो MUI मटेरियल आइकन का ये लाइब्रेरी है, इसके इंस्टॉलेशन पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इंस्टॉलेशन करने का तरीका है। सॉरी नीचे आएंगे वेब आइकन का, ये npm install @mui/icon-material ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये वेब लिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस लिंक का सीकिंग का भी इस्तेमाल किया सकता है, बट नॉट रिकमेंडेड होता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको और उसके MUI को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये पैकेज को हम बंद करते हैं और उसके बाद लगा देते हैं अपना पेस्ट ये कमांड npm install @mui/icon-material। इसके बाद ये आइकन इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा पीछे आते हैं, अब मटेरियल आइकन अवेलेबल कहाँ पे है वो देखें थोड़ा और पीछे, ये वाला वेबसाइट पे थे देखिए, ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है किसका, मटेरियल आइकन का। तो हमको मटेरियल आइकन को इस्तेमाल करने कहा गया है। अब मेरा ये PNG देखो, इसमें कहा गया कि आपको होम सर्च बटन के लिए सर्च का इस्तेमाल करना, होम बटन के लिए होम का इस्तेमाल करना, मतलब सब सब समझ में आ गया हमको क्या करना। तो यहाँ पर हमको फटाफट ये वाला पेज डिजाइन करना, ये वाला पेज डिजाइन करने कहा गया है, तो हम इसको जल्दी से डिजाइन में लगा देते हैं। जैसे हेडर की जरूरत पड़ेगी, अच्छा नोटिस करो हेडर दोनों पेज में है, दोनों पेज में देखो दोनों पेज में हेडर है, तो दोनों पेज में हेडर है, तो दोनों पेज में हेडर रखने के लिए हमको अलग से हेडर कॉम्पोनेंट बना लेना चाहिए, header.jsx ठीक है, RAFC। और उसके बाद हम लोग हेडर को डिजाइन देंगे अकॉर्डिंग टू, अगर चाहो MUI से करना है, टेलमेंट से करना, इसमें कोई मैटर नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा करना है। और हम इसमें बनाते हैं BG-white और शैडो LG और PY10 PX5 अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे सर्च का सीधा डब्बा है, तो हम इसको फॉर्म टैग से बनाओ, बिना फॉर्म टैग के बनाओ डजंट मैटर ठीक है। मेथड पोस्ट इनपुट टाइप बॉर्डर और इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रे है, BG-slaty और ये 500 दे दिए, पैडिंग एक्स
हेडिंग वाई, आप जैसे देना चाहें टू दे, और उसके बाद एक सर्च का आइकन आगे लगा हुआ है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना है। तो हमको इसके जस्ट बगल में ही एक और स्पैन बना लेना चाहिए, स्पैन के अंदर आइकन लगाएंगे सर्च। देखो आइकन इंस्टॉल ही हो रहा है, इंस्टॉल देखो यहाँ आइकन लगाना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ देखते आइकन हेयर, अभी लगा नहीं है, अभी कमेंट कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट साइड में होम पेज का एक बटन है यहाँ पे, तुमको दिख रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं बटन, ये वाला बटन, नॉर्मल बटन, बटन टाइप बटन, और इसके अंदर में होम आइकन अभी डाला नहीं है, डालेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे फ्लिक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इधर उधर कोने में आ जाए ऐसा करने के, फॉर्म और बटन, बस वही चीज़ है। ये हेडर की पट्टी है जो कि हमको ऐप डॉट जी एस में आना है, और ये यहाँ से यहाँ तक मिटा के एक फ्रेगमेंटेशन लगा कर, फ्रेगमेंटेशन लगा कर यहाँ पे हेडर को कॉल कर लो, हेडर कॉम्प्लेंट है कॉल कर लिया, और ये ऐप डॉट सी एस एस या लोगो की जरूरत नहीं है, ऐप डॉट सी एस चलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। है तो कुछ नहीं कोड में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी देखो इसमें काफी समय लगेगा। चलो ठीक है, जितना समय लगेगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पे लिस्ट वाले को डिजाइन करते हैं, क्लास फ्लिक्स या ग्रीड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीड, तो ग्रीड जब इस्तेमाल करें तो देखो कितना ग्रीड, एक लाइन में पांच को लिखो, ग्रीड डैश कॉलम, डैश फाइव शायद यही हो गया, गैप जैसे, ग्रीड डैश कॉल्स डैश फाइव इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ना ये 5 MD में काम करेगा, तो MD मीडियम साइज में ऐसा रहेगा, और अगर छोटा करेंगे स्क्रीन को तो ग्रीड डैश कॉल्स डैश 1 कर दो, मतलब छोटा स्क्रीन में एक दिखा। रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, इसका ध्यान रखना है, और गैप जो है वो यहाँ गैप लिखना, पेज लिखा। इसके अंदर में एक डिव क्लास नेम बीजी डैश बीजी छोटा शैडो डाल देते हैं, बाद में चेंज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करेंगे, जैसे पता नहीं कहा इतना समय लग गया। चलो ठीक है, अब इसके इसके सबसे ऊपर का पार्ट में हम लोग को इमेज डालना, जो कि मूवी का कवर इमेज होगा वो डालना। इसके लिए हमें यहाँ पर IMG का टैग छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे इसका नाम 3-2 या 3 रख लेते हैं। अब इसके अंदर में हम टाइटल, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन दो लाइन का बता रहा है करना है, तो जैसे बता रहा है वैसे करें। S4 का इस्तेमाल करते हैं मूवी टाइटल, यहाँ पे मूवी टाइटल आएगा, अभी आया नहीं है, सब डमी बन रहा है अभी, और उसके मूवी टाइटल के जस्ट अपोजिट साइड में रेटिंग होना चाहिए, तो हमको मूवी टाइटल और रेटिंग को एक साथ देके चलना। तो फ्लिक्स का नाम का एक डब्बा, यहाँ पे फ्लिक्स लिख देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट करके रेटिंग है, रेटिंग है, तो जो रेटिंग्स होंगे वो यहाँ दिखेंगे, और ये मूवी ये दोनों को एक टीम में डाल देते हैं, एक फ्लिक्स में डाल देते, ये डाल, तो ये चला जाएगा आमने सामने। उसके जस्ट नीचे है डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन होगा 2 लाइन का, 2 लाइन करने के लिए इसको यहाँ पे लिखना होगा हमको, क्लास लगा के क्लैम लाइन
क्लैंप लाइन टू, CLAMP, और कोई हिंट में नहीं आ रहा। देखो टेलविन का वो है जिसे दो ही लाइन आएगा, दिखाते हैं टेलविन का ये प्रोजेक्ट, टेलविन CSS, और इसमें हम दिखाते हैं क्लैंप लाइन टू क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें सर्चिंग करते हैं, ये सर्चिंग की जगह, और लिखते हैं लाइन क्लैंप। लाइन क्लैंप, तो इसमें अगर लाइन क्लैंप टू लिखा है तो इसका मतलब दो ही लाइन आएगा, ये एग्जांपल भी दिखा रहा है, देखो तीन लाइन है तो लाइन क्लैंप टू ही लिखा, तो तीन ही लाइन कोड है, उसके बाद डॉट डॉट हो जाएगा, तो यही है लाइन उल्टा लिख देना, लाइन क्लैंप लिखना, लाइन क्लैंप टू। तो जैसा कहा गया दो लाइन लिखने के लिए, PNG में देखो यहाँ दो लाइन के बारे में बात कर रहा, दो लाइन लिखा, एक डब्बा का मेरा डिजाइन लगभग तैयार हो गया, तेरा मेरा होगा क्योंकि आउटपुट देख ही नहीं पा रहे, आइकन मेरा इंस्टॉल ही नहीं ले रहा पूरा, अब वही करेंगे सीरियल लगाएंगे लास्ट में, तो यही करना है, तो हमको यहाँ पे सीजिंग का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे पानी सर से ऊपर जा चुका है, सॉरी ये इंजन पे कैसे गिर गया, वापस आइकन, आइकन ये वेब आइकन है, इसका इस्तेमाल कर सकते, तो फॉन्ट आइकन लगाने के बाद SVG सही सपोर्ट करेगा ना, लास्ट में हमको लगता है कि हम SVG यूज कर लेना चाहिए, देखते हैं सर्च, खैर चलो सबसे आखिरी काम भी हो सकता है, इंस्टॉलेशन ले ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है, खैर चलो, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट आउटपुट है, ये होम पेज दिखा रहा है, ये मेरा यहाँ पे इनपुट टाइप सर्च वाला पट्टी आ रहा है, और इसका आइकन यहाँ पे डाले नहीं है, ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग ना हेडर को थोड़ा और दुरुस्त करते हैं, हेडर की पट्टी में जो स्लेटी कलर है उसको ग्रे कलर कर लेते हैं, स्लेटी कलर नहीं ग्रे चाहिए अपने को, ग्रे है और इतना डार्क नहीं चाहिए, थोड़ा सा और लाइट, ठीक है, और जो पेडिंग दिया मैंने यहाँ पे PY10, इसको 5 करते हैं और इसको 3 देते हैं, थोड़ा पतला हो जाएगा, और इसका साइज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास फॉर्म में क्लास W-1 बाय सॉरी 4 बाय 12, इसे अपना विथ डिसाइड हो जाएगा कितना हमको चलना है, 4 बाय 12 ये हो गया, और इसमें लिखेंगे W-full, इससे क्या होगा कि जितना डब्बा होगा उतना वाला साइज आ जाएगा, आ गया, थोड़ा सा अपडेट करना है, बीजी ग्रे वाला जो मामला है ना वो हमको सर्च पट्टी को लेके साथ में करना है ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखकर ये खाली ग्रे कलर को हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, तो ये पूरा एरिया को कवर करेगा जिसमें आइकन भी आएगा, ठीक है, और इसका भी बीजी ग्रे रखेंगे, बीजी डैश ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइकन लगा पाएंगे, ठीक है, ये सर्च की जगह है, प्लेस होल्डर में नहीं देते हैं, सर्च, ये सर्च आ गया, यहाँ पे आइकन चाहिए अपने को, बस यही मामला है, आइकन हमको मटेरियल आइकन, मटेरियल आइकन UPS, मटेरियल आइकन पैच करो, मटेरियल आइकन को ही यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, अब हम मेटेरियल आइकन को सीडीएन से यूज करते हैं। तो सीडीएन से यूज करने के लिए हमको यहाँ पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्टैटिक आइकन को यूज करने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस लिंक को अपने इंडेक्स के अंदर में पेस्ट कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, हेडर में होगा करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो तरीका सर्च का स्पैन बनाने का है वो हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम फॉलो करते हुए अपने हेडर कंपोनेंट में यहाँ पर डाल देते हैं। ये आइकन बेस्ड है, ये इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा इसमें, और इसको एक लाइन में खत्म कर देते हैं। स्पैन है ये लगा दिया, देखते हैं अब जो मेरा आउटपुट है वो आइकन लेकर आ गया। ठीक है, तो आइकन मेरा आ चुका है, अब हम इसको आइकन को डिजाइन देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D10 फ्लिक्स पहले लगाएंगे, तो नोटिस करोगे तो बगल में आ जाएगा, आगे बगल में, और स्पैन में जो स्पैन के इसके में जो बॉर्डर लगा हुआ, ये वाला बॉर्डर नहीं लगा, इसको हटाना है, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर जीरो कर देते उल्टा, और आउटलाइन जीरो भी कर देते, नन या जीरो दोनों एक ही बात है। तो ये लाइन जो बीच में आ रहा था वो नहीं आ रहा है, अब इसमें लिखते हैं आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, तो इससे बीच में आ जाएगा, आ गया। थोड़ा सा पैडिंग स्पैन में, ये पैडिंग इसमें भी दे सकते हैं, P X 3, तो इससे थोड़ा सा गैप रहेगा, राउंडेड LG थोड़ा ज़्यादा राउंडेड, ठीक है। तो हम सर्च यहाँ से कर सकते हैं, तो मेरे सर्च की पट्टी बन गई है। अब इसी तरह से स्पैन आइकन, जैसे ये स्पैन आइकन यहाँ पे लगा हुआ है, वैसे हमको यहाँ पे चाहिए अपना स्पैन, इसमें होम का आइकन होगा, तो जो आइकन का नाम है वो बेसिकली यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो जो यहाँ दिखा भी रहा है, बताया भी जा रहा है यहाँ पे कि आप इन नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। होम लिखा हुआ है, तो बस सिंपली आप यहाँ होम लिखेगा तो आ जाएगा, देखिए आगे, ठीक है, ये होम आइकन इस कोने पे आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं सट जाए थोड़ा सा इधर से, तो आप पेडिंग एक्स का ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दीजिए, ये 3 लिखा होना इसी जैसे 10 कर दी, इधर से कम, ओके। तो मेरा हेडर पट्टी तैयार है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो ये PY 5 जो लिखा हुआ है इसको और कम कीजिए, ठीक है, अपने अनुसार जितना ज़रूरत हो उतना ही दीजिए, ठीक है। तो पट्टी आपका सर्च का तैयार हो गया। अब आते हैं नीचे का डिज़ाइन पे, यानी लिस्ट पे। लिस्ट का कॉम्पोनेंट अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए नहीं दिख रहा है, हम यहाँ लिस्ट लगा लिस्ट, तो एक डब्बा यहाँ पे डमी के तौर पे दे दो। अब हम क्या करते हैं लिस्ट में, अभी फिलहाल तो इमेज नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं IMG में HTTPS और लिखते हैं प्लेस होल्डर, HTTPS वाया प्लेस होल्डर स्लैश placeholder.com/200, इसको ट्राई करते हैं। क्लास नेम W-full शायद काम करे, देखो ये 200x200 का डब्बा ग्रे कलर का आ गया, ये प्लेस होल्डर की वेबसाइट से आया, डमी है बाद में चेंज कर, ठीक है। तो पहले तो ये ग्रीड को हम बहुत अच्छा सा पैकिंग देना चाहेंगे, तो ग्रीड को शुरू करने से पहले हम पूरा एरिया को एक कंटेनर में घेर लेते हैं, यहाँ नहीं घेरते, ये अच्छा तरीका नहीं रहेगा, चलेगा PX 10, तो जितना ये गैप छोड़ा उतना भी इसको इसमें छुपा देते हैं, मार्जिन टॉप फाइव, तो ऊपर से भी आ जाएगा थोड़ा नीचे, ये इस तरह से एक मूवी का जो कार्ड है वो इस तरह से दिखेगा, तो 5 टोटल मूवी का कार्ड दिखा देगा। तो हम ग्रेड में 5 मूवी का कार्ड के हिसाब से बनाए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रेटिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे फिलहाल लिख देते हैं खाली रेटिंग, ठीक है। चेक करने के लिए हम इसको यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन लिख देंगे, तो एक कोने में ये और एक कोने में वो चला जाएगा, जैसे हमको डिज़ाइन चाहिए। और 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, देखिए हम लॉरेम लिख के दिखाते हैं, लॉरेम लिखा ना, कितना लाइन है, बहुत सारा लाइन है, लेकिन देखिए इसमें 2 ही लाइन आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ओ अच्छा गलत जगह लिख दिया, रेटिंग की जगह यहाँ लिखा लॉरेम, देखिए बहुत सारा लाइन लिखा हुआ लेकिन आएगा 2 ही लाइन, देखा। ये है फायदा क्लैम का, जो टेलीविजन में क्लास है 9 clamp 2, 3 का भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और इसको हम रिपीट करके दिखाते हैं। तो ये जो मेरा ग्रीड है का नाम हम डिप में शैडो रखा, इसको हम 5 बार डुप्लीकेट कर दिखाते हैं, 5 बार क्या छोड़ो 1000 बार कर दिखाते हैं, ठीक
ठीक है, इसी तरह से मेरा अपकमिंग मूवी यहाँ पे दिखाएगा एपीआई की मदद से। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ मेरा ये काम करेगा। अब दूसरा पेज मेरा कौन होगा, डिटेल पेज, वो ये है। ठीक है, डिटेल पेज का जो डिजाइन है वो अकॉर्डिंगली कैसा होना चाहिए, यहाँ देखो ऐसा डिजाइन होना चाहिए। तो हेडर तो सेम है, ठीक है, ऊपर में खाली सर्च का पट्टी हट जाएगा, अगर डिटेल पेज में आ गया तो ये हट जाए, मूवी डिटेल्स दिखा दे हेडर में, ये इतना कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और नीचे जो है ना मेरा एक इमेज है मूवी के लिए और बाकी सब डिटेल इधर है, इसमें ईआर है, लेंथ है, कितना लंबा है मूवी वो, उसके बाद डायरेक्टर, ये सब एपीआई से डेटा आ जाएगा, कास्ट के नाम सब है, उसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कहा गया है वैसे ही हम भी फॉलो कर लेते हैं, डिजाइन को फॉलो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास फ्लिक्स, ठीक है, और उसके नीचे अंदर में यहाँ पर एक IMT टैग, https viaplaceholder.com/200, जो भी साइज आपको चाहिए वो लिखना होता है, तो उसके बाद वो साइज मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज ये IMT की पट्टी के बाद क्या करेंगे, IMT पट्टी के बाद एक डब्बा बनाएंगे, इसका नाम अभी हम रख देते हैं फ्लिक्स। इस फ्लिक्स में डायरेक्शन कॉलन है, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलन कॉल, ठीक है। पहला काम क्या है, H1 में मूवी का टाइटल लिखना, मूवी टाइटल, मूवी टाइटल, और छोटी ब्रैकेट में रेटिंग डालना, ये पहला काम, ठीक है, डाल देंगे। उसके नीचे क्या करना है, तो आपको एक और फ्लेक्स बनाना है, उस फ्लेक्स के अंदर में आपको क्या करना है, तो कुछ स्पैन्स बना लेते हैं हम, जैसे कि कौन से साल में बनेगा मूवी वो बताना है, लेंथ कितना होगा मूवी का वो यहाँ बताना है, और डायरेक्टर का नाम मूवी का क्या है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। उसके जस्ट नीचे क्या करना है, तो कास्ट के लिए भी फ्लिक्स बनाना है, और उसके अंदर में एक पैराग्राफ बनाएंगे, कास्ट लिखना है, कास्ट, और जो कास्ट के नाम है, कास्ट मतलब जो जो उसमें काम किया है उस सब के कास्ट के नाम यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 करके आता जाता है, तो ठीक है समझ गया। उसका क्या है, उसके अंदर एक और फ्लिक्स है, उसमें डिस्क्रिप्शन, EVP टैग में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन किसमें है, तो अभी हम फिलहाल लॉरम लिख देते हैं, लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन आ गया डमी की तरह, इतना ही डेटा है इसमें। लेकिन जो मूवी है, ये जो डिटेल पेज है, ये मेरा क्लिक करने पर, किसी मूवी के कार्ड पे क्लिक करने पर खुलेगा, तो ये जो डिटेल पेज है इसको भी हम फिलहाल पैरामीटराइज करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, रिएक्ट डॉट मेरा इंस्टॉल है, हम सबसे पहले जाएंगे index.js के पास, ध्यान से समझो क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर राउटर नाम को इम्पोर्ट करना होगा, तो हम इसको ऐप पूरा ऐप कंप्लीट को ब्राउजर राउटर में डाल देते हैं, ब्राउजर राउटर, ये राउटर डॉम से इंपोर्ट होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, ध्यान रखना है क्लोजिंग करना है, और इसके बीच में इसको डाल देते हैं, कितना आसान है, देखिए ये डाल दिया, तो जिससे मेरा ऐप राउटर बेस्ड हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे app.js के पास, और यहाँ पर डालेंगे राउट्स, राउट्स, ठीक है राउट्स, और उसके अंदर राउट्स के अंदर में यहाँ आने के बाद अगर कोई राउट, राउट्स के अंदर राउट, ठीक है, अगर कोई राउट पाथ, पाथ स्लैश में हो, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट शायद हटा दिया गया है, हमको याद है कि हटा दिया गया, उसके कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, तो हमको लिस्ट को दिखाना, जब हम होम पेज पे होंगे तो कौन सा कंपोनेंट चलेगा, लिस्ट वाला कंपोनेंट, ये सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं, और ये एक और राउट, जब मेरा पाथ स्लैश डिटेल में होगा, स्लैश डिटेल में, तो कौन सा कंपोनेंट चलेगा, तो कंपोनेंट चलेगा डिटेल, डिटेल नाम का कंपोनेंट जो अभी तक इंपोर्ट नहीं था, अभी इंपोर्ट, तो मेरा दो पेज का राउट बन गया। ध्यान रखिए ये लिस्ट के इंपोर्ट है, हटा देना है, नहीं तो क्या होगा, हर पेज में आएगा, तो ये दोनों पेज के लिए अलग अलग राउट तैयार हो गया, चेक करें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रियली सॉरी, यहाँ पे रन टाइम एक्सपेक्टेशन राउट्स एलिमेंट लगता है, कॉम्पोनेंट नहीं लगता, यहाँ पे एलिमेंट लगता है, थैंक यू, ये बात ध्यान से उतर गया। तो हम लोग यहाँ वापस आते हैं, और देखो स्लैश जब डिटेल लिखेंगे तो वो मेरा डिटेल वाला पेज खुल जाए, ठीक है, इसमें थोड़ा गैप चाहिए, डिजाइन देख लेते थोड़ा सा, डिटेल वाला कंपोनेंट में इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा, फिर तो मार्जिन टॉप 5 दे दीजिए, px 10 दे दीजिए, जो उसमें दिया था उतना तो दे ही दीजिए, उसके बाद गैप 5 का गैप, तो ये दूरी बना लिया इमेज और ये टाइटल जो तुम्हारा दिख रहा है ये वाला थोड़ा सा मोटा और बोल्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट डैश XL और यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड,
ठीक है, और उसके नीचे डायरेक्टर उसके नाम जो है यहाँ पे थोड़ा गैप गैप टू, तो आपस में ये गैप्स आने चाहिए, और ईयर के बाद वो स्लैश लगा हुआ है और इसके बाद भी स्लैश लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखने से फायदा होगा। उसके कास्ट के नाम डिस्क्रिप्शन एकदम जैसे चाहिए वैसे ही, ठीक है। तो ये मेरा डिटेल पेज है, बट ये है कि जब डिटेल में आए तो हेडर मेरा चेंज हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा, मैं कौन से पाथ में, उसी हिसाब से हेडर में ई फाइल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बढ़िया सा डिज़ाइन कर लिए। अब आते हैं एपीआई कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं कि लिस्ट में ये जो अपकमिंग एपीआई है वो कैसे काम करेगा। तो अपकमिंग एपीआई पहले तो हम इतना डुप्लीकेट किए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट का जरूरत ही नहीं है, लूप तो खुद ही चला देगा। वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मतलब कंट्रोल चेक कर दिए थे, जिसकी वजह से जो बनाए थे वो भी गड़बड़ा था। तो ये एपीआई का मेरा एपीआई को कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमको चाहिए यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट जब खुद से कॉल हो जाए तो यूज इफेक्ट कर ली ब्रैकेट, और हम इसको अंदर बनाएंगे कंपोनेंट से बाहर नहीं, ये बड़ी गलती है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं यहाँ पर कि हम एक स्टेट बना लें, तो हम इसका नाम लिखते हैं ऑल मूवीज, अ सेट ऑल मूवीज। इसमें कोई क्लाइंट कंपोनेंट या सर्वर कंपोनेंट नहीं होता है, तो यूज स्टेट डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो बच्चों का खेल है। और इसमें एक ब्लैंक एरे छोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। यूज इफेक्ट के अंदर में आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पहली बार जब रन करे प्रोजेक्ट, जब रेंडर हो कंपोनेंट जब चले, तो ये कॉल होगा। क्या कॉल होगा? फेच फंक्शन। इसको ध्यान में रखना है कि फेच फंक्शन अवेट असिंक के हिसाब से काम करता है, इसलिए असिंक और यहाँ पे अवेट, ठीक है। फेच फंक्शन, और फेच फंक्शन के बाद आप ये वाला पूरा यूआरएल को डाल सकते हैं, ये अपकमिंग आपका पूरा डिटेल दे देगा, आप इसको बैकटिक में डाल दें। उसके बाद आप देखिए देन, इसमें तो देन वाला प्रोसेस है, देन RESP.json, response.json, फिर इसके बाद देन अगले देन में क्या करना, देन के बाद आप इंटर मार सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, देन देन आप एकदम लाइन बाय लाइन कर सकते हैं। तो RESP एरो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑल मूवी resp.data, resp.data, इससे एक्सेस हो जाएगा और मेरा ये इसमें चला जाएगा। अब मेरी बारी है लूप, तो हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं डिवीजन है, कर्ली ब्रैकेट डाला और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऑल मूवीज डॉट मैप, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेट सॉरी की छोटी ब्रैकेट बाकी डेटा के अंदर। इससे क्या हुआ, इससे हम लोग का लूप चलेगा। तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, हम एक खाली मूवी का नाम दिखाने के लिए यहाँ लिखते हैं इसका, मूवी का जो एपीआई का तुम एक्सेस करोगे, एपीआई एक्सेस किया हुआ था, इसमें देखो ओरिजिनल टाइटल लिखा हुआ, टाइटल नहीं, तो ओरिजिनल टाइटल नाम है मूवी का, टाइटल को यूज करना है, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो हम एक्सेस करने की कोशिश किया ऐसा, और देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। इसके होम पेज पे जाते हैं, पहले तो डिस्ट्रॉय इज नॉट ए फंक्शन है, वेयर इज डिस्ट्रॉय, वेयर इज डिस्ट्रॉय, हाँ सर डिस्ट्रॉय तक तो दिखा तुम लोगों कहाँ से डिस्ट्रॉय आया, की कुछ यहाँ पर किया गया, इसी में दिक्कत है। अगर
अगर कह रहा कि भी करी क्या तो कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेक करते हैं कंसोल में क्या हुआ। अनडिफाइंड मतलब डाटा नहीं है, आईएसपी को डायरेक्ट एक्सेस करें तो जेसॉन छोटी ब्रैकेट ये हटा क्यों दे। हाँ ठीक डाटा डाटा 27 27 अब सेट करते हैं सेट ऑल मूवीज डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन आर एस पी डॉट डेटा डाटा से तो एक्सेस नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स को समझना पड़ेगा। रिस्पॉन्स आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, कंसोल हो रहा है। इसमें डेट्स हैं रिजल्ट्स हैं आर एस पी डॉट रिजल्ट्स ठीक है। जैसे जैसे वो उसका की का पता लगाया और उसको की को ही रिस्पॉन्स में ऐड कर दिया हो गया। देखो मेरे पास सारे मूवीज के नाम आ रहे हैं, नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, सब में अलग अलग है नाम तो आ गए। अब हम एक एक चीज मूवी का उठा सकते हैं, देखो क्या क्या। तो मूवी का नाम बुला लिया, मूवी का और क्या क्या बुला सकते हैं वो देखते हैं। तो ये मूवी का आईपीआई एड्रेस है, इसमें हम क्या क्या बुला सकते हैं। एक ही मूवी का डिटेल देखो, रिजल्ट्स यहाँ पे देखना चाहिए था हमको, ये रिजल्ट्स यहीं पे दिखा रहा। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए था, हमको यहाँ जेनस दिखा रहा है, आईटी दिखा रहा है, ओरिजिनल लैंग्वेज दिखा रहा है और ये ओरिजिनल टाइटल दिखा रहा है जो कि हम लोग उठा चुके हैं। और उसके बाद ओवरव्यू, ओवरव्यू मेरा डिस्क्रिप्शन का तरह काम करेगा, ओवरव्यू को हम उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा के लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू डॉट ओवरव्यू। तो मेरा ओवरव्यू प्रिंट होने लगेगा, दिखाते हैं देखो ये यहाँ पे चल रहा है, देखो सब में अलग अलग आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको मूवीज के ये इमेज भी मिल रहा है ठीक है। तो हमको मूवीज का इमेज बैकड्रॉप पाथ का नाम से या पोस्टर पाथ नाम से मिल रहा है, पोस्टर पाथ ठीक है। रिलीज डेट यहाँ पे मिल रहा है और लेंथ भी मिलेगा हमको, ये तो वोट काउंट है, ये रेटिंग है। देखो रेटिंग टोटल इतना में 8.3 ये रेटिंग है, वोट एवरेज ये रेटिंग मिलेगा दिखाना ठीक है। जहाँ रेटिंग है वहाँ पे दिखाएंगे, रेटिंग है इसका वैल्यू डॉट इतना एवरेज है स्लैश ठीक है, इतना इतना रेटिंग में से इतना है। हालांकि हमको इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको खाली रेटिंग पॉइंट दिखाना है सबका अलग अलग, इसको 7 है, इसको 8.3 है, इसको 7 है। तो रेटिंग छोटी ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं थी हमको, हम छोटी ब्रैकेट में बेहूती के लिए लिया है एकदम, इसको हटा देते हैं कोई काम का नहीं है। और यहाँ पर परफेक्ट ये रेटिंग वैल्यू आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेटिंग आगे रेटिंग वन, तो हर के आगे रेटिंग दिखा रहेगा। जिससे थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको और टेक्स्ट वगैरह भी छोटा करके टेक्स्ट डैश स्लेटी ज़्यादा डार्क नहीं और टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, इससे साइज छोटा हो जाएगा लेकिन दिखेगा ठीक है। एक्सेस की जगह एसएम कर देते हैं, बहुत छोटा ठीक चले। और जो मेरा टाइटल है थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, तो टाइटल क्लास फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, तो ये मेरा टाइटल्स आ रहे हैं, ये मेरे डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं। अब बस इमेज की बारी है जिसमें हमको डायनेमिक करना है, बट इमेज का जो एग्जैक्ट पाथ होता है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इमेज सिर्फ नाम हमको दिया स्लैश नेम, तो कोई भी इमेज का पाथ क्या कैसे आएगा ये जानने से पहले हम, मेरे पास तो पहले से 2021 का एक प्रोजेक्ट है, हम दिखाते हैं गिटहब sadiq.com, उसका नाम हम रखे थे शायद, सर्च कर लेते याद नहीं आ रहा। यहाँ पे सर्च करते हैं रिपोजिटरी और यहाँ पे मूवी फाइंडर, मूवी फाइंडर
ये बनाए थे 2021 दिसंबर में, ठीक है। तो ये उसी एपीआई का इस्तेमाल किए थे, तो उसमें हम इमेज का लिंक लगाए थे, तो वो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट में था, तो हम इसके लिए जल्दी से पता कर लेंगे। मूवी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो शायद हमको इमेज का पाथ मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली मिल रहा, देखो पोस्टर पाथ, ठीक है। तो हमको इसी तरीके का पाथ चाहिए था, तो हम इतना टाइम बर्बाद ना करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आराम से मेरा टाइम बच जाएगा। तो जो इमेज है वो इमेज की जगह पे हमको ये लगाना, तो दैट इज बैक टिक, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और ये हटा देते हैं डबल कोट, और ये बैक टिक के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे मूवी की जगह वैल्यू है ना, वेरिएबल का नाम चल रहा है वैल्यू, पोस्टर पाथ तो ठीक है, और ये मेरा इमेज की यूआरएल है जहाँ से हमको इमेज उठाना है। तो हमको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही है, तो अपना प्रोजेक्ट, ओ वंडरफुल, सारे इमेजेस आ गए, तो सब एपीआई से जुड़ा आने लगा, ठीक है, मज़ेदार और परफेक्ट। तो ये सारे मूवीज हैं जो अपकमिंग मूवीज हैं, सब आने वाले हैं, और इस पर आप क्लिक करने से वो मूवी का डिटेल खुले, तो वो वहाँ पर हमको बनाना है, ठीक है। एक और चीज़ करना है वो ये कि ऊपर का जो ये हेडर है उसको फिक्स कर देंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए हमको ये काम हो गया। इसके बाद हम जब इसको क्लिक करेंगे तो वो काम करना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या पॉसिबल है, रिएक्ट राउटर डॉम को थोड़ा समझो, रिएक्ट राउटर, सॉरी रिएक्ट राउटर डॉम। अब रिएक्ट राउटर डॉम को का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, इसमें बताएगा कि पैरामीटर कैसे यूज करना है। तो यूज परम्स नाम से ऑप्शन होगा, तुम ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, देखो नीचे यूज, यहाँ पे सब चल रहा है, यूज फीचर, यूज, इसमें यूज परम्स खोल रहा है परम्स, थैंक यू। तो यूज परम्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग यूजर जब हम लोग लगाते हैं पाथ वहां पे लगाएंगे उस आईडी को, और उस आईडी को जब हम लोग क्लिक करेंगे, जब कहीं भी क्लिक करेंगे तो उस आईडी के साथ जाएगा, और ये यूज परम की मदद मतलब से उठा सकते हैं। यानी ये बेसिकली वही तरीका है जो हम लोग के नेक्स्ट जेएस के अंदर में है, पहले से बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का जो तरीका है वो ये है। चलिए हम लोग बस दिखाते हैं आपको, जिसपे क्लिक करेंगे वही का डिटेल कैसे दिखेगा, जिसपे क्लिक करेंगे उसका डिटेल कैसे दिखेगा। इसके लिए हम ऐप डॉट जेएस के पास जाएंगे, और जब डिटेल्स में जाना होगा तो डिटेल्स के पास स्लैश कॉलन, और उसका लिखेंगे मूवी आई डी, मूवी आई डी, ठीक है। ये मेरा मूवी आई डी क्या हो गया, एक यूनिक डायनेमिक राउट जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जेएस में, वो यहाँ पे ऐसे बनता है कॉलन मूवी आईडी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जाएगा डिटेल वाला पेज, डिटेल में जाएगा तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं और डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं मूवी आईडी को यूज परम से, यूज परम से इम्पोर्ट होना चाहिए, ऊपर इम्पोर्ट हो गया है, और ये आपका यूनिक हो गया। यही यूनिकनेस अब मेरा काम करेगा, इसी मूवी आईडी के हिसाब से हम अपने डेटा को यहाँ पे फेच कराएंगे। कैसे कराएंगे देखो, दिखा देते हैं हम तुमको, ये मेरे लिस्ट में जैसे हम कॉल किया है, ये पूरा एपीआई देख पा रहे हो तुम, तो ये पूरा का पूरा हम कॉल किया है, तो मेरा ऐसा दिख रहा है। बट अगर हम इसको सॉरी यहाँ पर हम यूज परम्स ये इसको कॉपी कर ले, या फिर हम एक स्टेट बना लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और डिटेल्स में जाके पेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी थक गया लेकिन फिर भी जल्दी से करते हैं। और ये मेरा है जिसमें हम लोग को यूनिक आईडी यहाँ पास करना, तो मेरा पूरा सब कुछ देखो मैच करो, यहाँ पे अपकमिंग की जगह पे क्या डालना है हमको, यहाँ पे डालना है वेरिएबल डॉलर लगा दो, तो हम लोग का डॉलर वेरिएबल बैकटिक लगा हुआ पहले से है मूवी आईडी। तो इससे क्या होगा, मेरा मूवी आईडी के अकॉर्डिंग डेटा आएगा, और वो डेटा एक स्टेट बनाकर हम स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट उसका नाम रख देते हैं मूवी, और स्टेट मूवी, ये मूवी सारा तो नहीं है इसलिए स्टेट मूवी, यूज स्टेट, और ये ब्लैंक एक है, हालांकि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट में भी स्टोर कर सकते, ठीक है। तो हम इसके लिए रेडी हैं, और ये फंक्शन सेटर का नाम चेंज कर देते हैं, और रिजल्ट जो होगा उसमें सेट हो जाएगा, रिजल्ट जब उसमें सेट हो जाएगा तो अपने पास सारा डिटेल वैसे ही आना है जैसे इमेज आना है या नाम आना है। हम तो सबसे पहले नाम ही को चेक करेंगे, जिसमें लूप चलने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही डेटा है, एक डेटा का लूप थोड़ी चलता है। तो मूवी डॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल, तो चेक करेंगे नाम टाइटल अगर आ जाएगा तो काम हो गया मेरा। अब हम जब क्लिक करेंगे, ध्यान दो जाओ, जब हम इस पर क्लिक करेंगे कहाँ लिस्ट पे, जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा मेरा लिंक होना चाहिए, तब ना हम क्लिक करेंगे तो हम किसी ना किसी चीज़ को तो लिंक पे लगा देते हैं, जैसे हम इमेज को लिंक पे लगा देते हैं। देखो LINK लिंक रिया ग्राउटर डॉम से इम्पोर्ट होता है, इसके अंदर इमेज डाल देते हैं, ठीक है। और लिंक में लगाना होता है टू, टू लगाने में हम लिखेंगे मेरा पाथ क्या है, तो मेरा पाथ है भैया कर्ली ब्रैकेट बैक टिक,
मेरा पास है स्लैश डिटेल स्लैश और यहाँ पे आएगा मूवी का आईडी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे वैल्यू डॉट आईडी। वैल्यू डॉट आईडी क्यों लिख रहे हैं हम, दिखाते हैं हम यहाँ पे मेरा एपीआई चल रहा था, इसमें देखो सिर्फ आईडी नाम से स्टोर है, रिजल्ट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर है ना, आईडी नाम से स्टोर है, तो वो आईडी वहाँ पे आ जाएगी। चेक करते हैं आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे तो यूज इफेक्ट पहले डिटेल में गलत हो गया, कह के इम्पोर्ट नहीं हुआ है, इम्पोर्ट नहीं हुआ है, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाते हैं ना, तो टी मिटा के दोबारा लिख देंगे, एंटर मार देंगे, ऊपर देखो इम्पोर्ट हो गया, हाँ हो गया, अब एरर नहीं आया। तो जब इस पर कर्सर रखे तो नीचे देखो स्लैश डिटेल स्लैश कोड आ रहा है, स्लैश डिटेल स्लैश कोड आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, दिख रहा है, तो हम जिसपे क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे, अब ये ओरिजिनल का स्पेलिंग गलत हो गया क्या, चलो ठीक है कोई बात, पहले देखना पड़ेगा कि हमको कंसोल वंसोल काम करा के लिए, मूवी डॉट क्या ली, अच्छा मेरा मूवी ऑब्जेक्ट सेट मूवी, इसमें पहले कंसोल लॉग, ऐसे काम नहीं चलेगा, कंसोल लॉग तब पता चलेगा कि हाँ सच में डेटा है या नहीं है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, एरर फ्री करते हैं और कंसोल में चेक करते हैं कि जिस पे हम 61566 वाला डेटा आया कि नहीं आया, अनडिफाइंड आ रहा है नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आरईएसपी को प्रिंट करके देखेंगे, एक सिंगल डेटा को प्रिंट करने में क्या आता है, ओ इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, तो आरईएसपी डायरेक्ट ऐड होगा मूवी में, क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर मूवी डॉट ओ आर आई जी आई एन एल और रिजल्ट टाइप, ठीक है बहुत बढ़िया और सब कुछ ठीक रहा। कंसोल को हटाना होगा, अब सेट करना होगा मूवी में, सेट मूवी नाम आ जाएगा, वंडरफुल, जिस पे क्लिक किया था वही आया, देखिए एक बार और पिछाई, एक बार और पिछाई, ये देखिए लेडी बग आई, ये क्या आ गया, गलत हो गया, नहीं नहीं नाम यही था, ऑप्टिमा क्या है, ओपेनहाइमर क्या है, नाइमलर, देखिए ये क्लिक करने से वही खिल रहा है, इसको क्लिक करने से वही खिल रहा है। अब चलिए इमेज में जल्दी से फटाफट बदलते हैं, काम 99% ज़्यादा हो गया, ठीक है मेरा गला सूख चुका है, अब जल्दी से यहाँ पे रोकते हैं, तुम लोग का तो सर में दर्द हो गया होगा। चलिए तो यहाँ पे लिस्ट में सबसे पहले इमेज कॉपी करते हैं, टाइम बचाते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट टाइम बचा देगा, मैडम आधे कॉपी किया हो जाता है कभी, बैकटिक यहाँ पे बैकटिक छूट गया, हाँ ये डॉलर का साइन बैकटिक नहीं, कौन सा ब्रैकेट, अच्छा 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 अंदर का पात अलग था, सॉरी सॉरी ठीक ठीक ये गलती हो गई, हो गया गया सॉरी, अब तो बैक ठीक, हाँ इमेज देखो अब आता है कि नहीं आता, ये वैल्यू के जगह मूवी लिखना होगा ना, वेरिएबल का नाम मूवी है, आओ इमेज चेंज हो जा, यस हो गया चेंज, बट इसका विड्थ हमको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है, और ये 500 जो W डैश 500 लिखा हो ना तो W शायद 200 भी होगा, पता नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है तो W डैश 200 अनुमान लगाएं कि विथ 200 का भी काम होना चाहिए। अब आते हैं सब कुछ पे डेटा डालते हैं, जैसे रेटिंग यहाँ डालना तो लिखेंगे मूवी डॉट वोट और वोट एवरेज, ये भी नाम लिखा था ना, ये था वोट एवरेज, वोट एवरेज, आ जाओ अंदर आ जाओ, यहाँ पे साल दिखाना है तो मूवी डॉट जय, अंदर आओ तो यहाँ पे दिखाना है हमने को, अंदर आ जाओ बैठो, रिलीज डेट, हाँ रिलीज डेट है ना, कब रिलीज होगा क्योंकि अपकमिंग मूवी है तो रिलीज का कोई डेट होगा, लेंथ पता करेंगे कैसे आएगा, लेंथ कैसे मिलेगा हमको, पॉपुलैरिटी आईडी जनर्स
एक मिनट, अब कमिंग की जगह पे हम कोई आईडी डाल के देख लेते हैं, तब एक डेटा आएगा तो पता चलेगा कि हम एक डेटा क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो ये मेरा एक डेटा है, इसमें बजट भी आया है, जर्नल्स भी आया है, लेंथ देखना होगा, प्रोडक्शन कंपनी सबका नाम आया है, वर्ड काउंट, रन टाइम, अच्छा ये मिनट में होगा था, यही रन टाइम, रन टाइम, मूवी डॉट रन टाइम, इसको 60 से भाग देने पे शायद वो घंटे में बता देगा, है ना, 60 से भाग देने पे बता देगा, 1 घंटा 50 मिनट, ऐसे कुछ एवरेज में करना पड़ेगा इसको। डायरेक्टर का नाम यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन, ये सब करते हैं जल्दी से, कास्ट वगैरह कल करेंगे, ठीक है, आज के लिए बस डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ओवरव्यू, तो डिटेल में जाते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मिटा देते हैं, मूवी डॉट ओवरव्यू, बहुत अच्छा। तो ये सब कुछ हम लोग लेते आए, बस रह गया कास्ट, सारे कास्ट इसमें होंगे और वो कास्ट को एक एक करके लूप चलाना पड़ेगा, कौन कौन से लोगों ने इसमें काम किया वो लूप के साथ होगा, दिखाते हैं हम आपको, दिखा देते हैं, ये जितना है ना इसमें देखो, कास्ट होगा, बिलोंग्स टू प्रोडक्शन कंपनी, पता नहीं, कास्ट निकालने का तरीका ढूंढना भी पड़ेगा, तो बड़ी बात नहीं, कौन कौन लोगों ने काम किया है, ये जेनर्स है, किस तरह का मूवी है वो हो गया, और ये कलेक्टिव मैनर में डेटा, पोस्टर वगैरह का, बैकस्लिप, चलो बढ़िया। तो यहाँ तक तो हम लोग अपना काम कर लिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा हो गया, चलिए अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और अब लोग सारा रिक्वायरमेंट